हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो नीट की काउंसलिंग का प्रोविजनल रिजल्ट आ चुका है राउंड वन का। तो अभी अभी जस्ट एमसीसी ने नोटिस डाला है प्रोविजनल रिजल्ट के बारे में, जिसके अंदर राउंड वन का रिजल्ट आ चुका है पूरा। एमसीसी की वेबसाइट आप खोलोगे mcc.nic.in, तो उसमें आपको करंट इवेंट्स में रिजल्ट ऊपर ही ऊपर दिख जाएगा। अब नीचे एक नोटिस भी आया हुआ है, वो नोटिस भी देख लेते हैं। उस नोटिस में क्या है, उस नोटिस में एमसीसी ने बोल रखा है कि ये सिर्फ प्रोविजनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट नहीं है। और फाइनल रिजल्ट कल आएगा, 21 को आएगा, 21 अक्टूबर को। तो फाइनल रिजल्ट के आधार पे ही ज्वाइनिंग वगैरह होगी कॉलेजेस में। प्रोविजनल रिजल्ट ओनली इंडिकेटिव इन नेचर है और सब्जेक्ट टू चेंज है। मतलब कोई अगर गड़बड़ है इसमें, किसी बच्चे को लगता है, तो वो कल सुबह 8 बजे तक एमसीसी और डीजीएचएस को इन्फॉर्म कर सकता है इमीडिएटली मेल करके कि मेरे को ये कॉलेज मिलनी चाहिए थी लेकिन मिली नहीं, मेरे को ये गलत मिल गया, मैंने BDS भरा नहीं था, BDS मिल गया, ऐसा कुछ भी गलत है ना। तो वो कल सुबह 8 बजे तक आप कंप्लेन कर सकते हैं। वो प्रोविजनल रिजल्ट पे जो कॉलेज आपको दिखा रही है, लगभग 99.99% वही रहने वाली है आपकी कॉलेज फाइनल रिजल्ट में। लेकिन MCC ने बोला है कि कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करने तभी जाना है जब आपका फाइनल रिजल्ट रिलीज हो जाए और आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाए। डाउनलोड तभी होगा जब आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका होगा, उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं अलॉटमेंट लेटर को अपनी वेबसाइट से जाके। तो ये था नोटिस, अब देख लेते हैं रिजल्ट। रिजल्ट में आपको मैं बताऊंगा कि लास्ट कट ऑफ क्या रही है, कौन सी कैटेगरी में कितने मार्क्स तक या कितने रैंक तक कॉलेज मिली है लास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं रिजल्ट के बारे में। तो कट ऑफ है, मैं आपको बता देता हूँ कि जनरल की रही है 17,401। 17,401 में जनरल कैटेगरी में लास्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है। और OBC की अपन बात करें तो वो 18,034 तक मिली है लास्ट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज। EWS में 18,989 तक मिला है। और SC की अपन बात करें तो SC में 89,305 तक मिला है लास्ट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज। और ST में 1,23,071 तक मिला है लास्ट कॉलेज। ये कट ऑफ आप पिछले साल के कट ऑफ से कंपेयर कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा डाउन है इस बार कट ऑफ, बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिला है। वो इस वजह से है क्योंकि काफ़ी सारी न्यू कॉलेजेस ऐड हुई है इस बार, कई पुरानी कॉलेजेस में भी सीटें बढ़ी हैं इस बार, तो इस वजह से कट ऑफ डाउन गई है काफ़ी ज़्यादा। तो ये है कट ऑफ जो आपकी स्क्रीन पे दी हुई है, इसको आप पुरानी से कंपेयर भी कर सकते हैं, वो भी आपकी स्क्रीन पे दी हुई है। तो ये रहा राउंड वन का रिजल्ट, और राउंड टू और थर्ड में और भी नीचे जाने के चांस है। तो लास्ट में अपन जो मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं कि 23-24 हज़ार रैंक है जिस बंदे की, या 25 तक भी मिलने के चांस है स्ट्रे वैकेंसी तक। तो इसलिए आप काउंसलिंग करवाइए, बढ़िया चॉइस फिलिंग कीजिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर डिजायर्ड कॉलेज। आप अच्छे कॉलेज में जाइए। और हमारी आपसे एक ही गुजारिश है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम न्यूज़ दे सकें काउंसलिंग के बारे में। और अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ भी डाउट है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं हमने, उससे भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।